हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट फायर सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो में आपको फायर से रिलेटेड वो सभी जानकारी मिलने वाली है जो आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल को पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू में इसी के रिलेटेड जो है वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि फायर क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि फायर के एलिमेंट्स क्या है, फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फायर टेट्राहेड्रन क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि क्लासेस ऑफ फायर क्या होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स है और उनका क्या यूज है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि फायर को बुझाने के लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारे टॉपिक्स है, आज इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है, फायर इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एंड लाइट प्रोड्यूसेस। फायर यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें फ्यूल हो गया, हीट हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन तीनों का एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसे फायर कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये फायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ फायर में आता है सबसे पहले फ्यूल, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हीट। लेकिन इसमें भी हमें एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक रूम है, उसके कॉर्नर में हमने क्या किया, एक जगह पर फ्यूल रख दिया, दूसरे कॉर्नर में है ऑक्सीजन और तीसरे कॉर्नर में है हीट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फायर के तो एलिमेंट्स है, अब ये एक कमरे में है तो फायर लग जाएगी, तो इसका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये तीनों कंबाइन नहीं होंगे आपस में, तब तक आग नहीं लगेगी। और ये कंबाइन होने के बाद जब तक उसमें एक केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, वो जब तक नहीं होगा तब तक आग नहीं पकड़ेगी। तो इसमें चौथा पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा, वो यानी कि चेन रिएक्शंस, यानी कि इन तीनों में जो रिएक्शंस होगी उसे चेन रिएक्शंस कहते हैं। वो जब तक नहीं होगी तब तक आग नहीं लगेगी, यानी कि उसके एलिमेंट्स ऑफ फायर में चार फैक्टर आएंगे, वो हो जाएगा फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और लास्ट में चेन रिएक्शन। चलिए अब जानते हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। तो फायर ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि फायर के एलिमेंट्स क्या है, वो कौन से थे, वो तीन एलिमेंट्स थे, वो थे फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अब ये जो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट है, इन तीनों को अगर कंबाइन किया जाए तो उसके बाद जो एक चेन रिएक्शंस फॉर्म होगी उसी को फायर ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि फायर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस चेन रिएक्शंस, ये जब चारों कंबाइन होंगे तभी फायर ऑकर होगी और फिर उस फायर को फायर ट्रायंगल कहेंगे। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अब फायर ट्रायंगल को फायर टेट्राहेड्रन कहते हैं, क्योंकि पहले फायर ट्रायंगल में थ्री कंपोनेंट्स आते थे, वो थे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। लेकिन अब जब से ये चौथा कंपोनेंट्स ऐड हुआ, यानी कि जो चेन रिएक्शन हमने इसमें देखा है, तो जब से ये ऐड हुआ है तब से इसका नाम फायर टेट्राहेड्रन हो गया है। यानी कि फायर ट्रायंगल में थ्री कंपोनेंट्स होते हैं और फायर टेट्राहेड्रन में फोर कंपोनेंट्स होते हैं। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो फायर ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स है, इसमें से अगर एक भी एलिमेंट्स वहाँ पर नहीं रहेगा तो ये फायर ऑकर नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पर ये जो तीनों एलिमेंट्स है, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इसमें से एक भी एलिमेंट्स अगर आप निकाल दोगे तो उसकी चेन रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी और वो फायर ऑकर नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर के क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है वो सिक्स कैटेगरी में है, यानी कि देयर आर सिक्स क्लासेस ऑफ फायर। उसमें आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। तो चलिए जानते हैं इसे संक्षिप्त में। अब ये जो सिक्स क्लासेस ऑफ फायर है, ये डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, इसके ऊपर इसकी कैटेगराइज की गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्लास ए फायर में क्या आता है। तो क्लास ए फायर में आता है कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि जलने वाली चीज, जिसे हम सॉलिड फायर भी कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, इसको अगर आग लगती है तो वो क्लास ए फायर है। चलिए अब देखते हैं कि क्लास बी फायर में क्या आता है। तो क्लास बी फायर में आता है फ्लैमेबल लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड जो ज्वलनशील हो, जैसे एग्जाम्पल है पेट्रोल, डीजल, पेंट, इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास बी फायर में आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लास सी फायर क्या है। तो क्लास सी फायर में आता है फ्लैमेबल गैसेस, यानी कि जलने वाली गैसेस, यानी कि जो भी गैसेस जो जलती है वो क्लास सी फायर में आती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस जलती है,
ब्यूटेन गैस चलती है, मीथेन गैस जलती है, इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास सी फायर में आती है। चलिए अब जानते हैं कि क्लास डी फायर में क्या आता है। क्लास डी फायर में आता है कम्बस्टेबल मेटल्स। अब जो भी मेटल है जिसको आग लग सकती है वो कैटेगरीज क्लास डी में आती है। जैसे कि आपको पता है कुछ केमिकल्स है जिसको आग लग सकती है, जैसे कि मैग्नीशियम, उस मेटल को अगर मान लो आग लगती है, एल्यूमिनियम को आग लगती है, पोटेशियम को आग लगती है, इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास डी फायर में आती है। अब देखते हैं कि क्लास ई फायर क्या है। तो क्लास ई फायर में आता है इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और उसमें अगर मान लो कि जो पावर है वो चालू कंडीशन में है, उस दौरान अगर आग लगती है तो वो क्लास ई फायर कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, जनरेटर्स हो गया, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से चलते हैं। अगर मान लो वो पावर सप्लाई में कुछ करंट लीकेज हो जाता है जिसके द्वारा फायर क्रिएट होती है तो वो इस कैटेगरी में आता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर कंडीशंस में अगर मान लो इलेक्ट्रिकल एटम हम रिमूव ही कर दे तो उसका जो फायर क्लास है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटर है उसको हमने पावर सप्लाई दिया लेकिन वो पावर सप्लाई कट ऑफ कर दिया, बाद में उसे अगर मान लो आग लगती है तो उसका जो फायर का जो क्लास है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं कि क्लास एफ फायर क्या है। तो क्लास एफ फायर में आता है कुकिंग ऑयल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि किचन फायर। जब भी आपके किचन को अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास एफ फायर कैटेगरी में आती है। तो इस प्रकार हमने फायर के जो है वो 6 क्लासेस देखे हैं एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर शुरू में फायर के जो है वो 4 क्लासेस ही आते थे, वो यानी कि क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। और फिर बाद में उसमें और एक क्लास ऐड हो गया जो था क्लास एफ फायर। यानी कि अब हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड में टोटल 5 टाइप के फायर क्लासेस होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स होते हैं। खास तौर से अगर देखा जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर के 5 मेन टाइप होते हैं। उसमें आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड आता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और फिफ्थ में आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके भी डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। यानी कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के भी डिफरेंट दो जो है वो डिफरेंट वर्जन है, वो है वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर और दूसरा है वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर। लेकिन ये जो दोनों है वो वाटर की ही फॉर्म है इसलिए उसको एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका नाम है ड्राई पाउडर, उसके भी डिफरेंट वर्जन है। एक है ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर और दूसरा है ड्राई पाउडर स्पेशलिस्ट एक्सटिंग्विशर। अब ये दोनों जो डिफरेंट वर्जन है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं यानी कि ड्राई पाउडर में, इसलिए इसको एक ही कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो सब वर्जन है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो टोटल 8 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मेन फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो उसके टोटल 5 टाइप है। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है कि जो सभी क्लासेस ऑफ फायर पर चल सकेगा। चलिए अब संक्षिप्त में जानते हैं कि ये जो 5 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए फायर के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वाटर लिखा हुआ रहेगा और दूसरी बात उसका जो लेबल कलर रहेगा वो रहेगा ब्राइट रेड, इसकी वजह से आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो खास तौर से ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का हमें कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो उसके ऊपर आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। किचन को अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लेमेबल गैस या फिर जो लिक्विड है उसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है वहां पर भी आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ज्यादातर यूज होता है क्लास बी फायर के ऊपर, लेकिन उसका इस्तेमाल क्लास ए फायर पर भी कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर बेस है। फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे? तो उसका जो लेबलिंग कलर है वो रहता है क्रीम कलर का और उसके ऊपर फोम लिखा हुआ रहता है।
तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को खास तौर से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुडन हो गया, इसके ऊपर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लेमेबल लिक्विड है जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो किचन टाइप की जो फायर होती है उसके ऊपर आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो उसके ऊपर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। और मान लो मेटल को अगर आग लगती है तो उसके ऊपर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं हमारे थर्ड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसका नाम है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम DCPB कहते हैं, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी फायर जो है उसके ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो अब हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे कि उसके ऊपर पाउडर जो वर्ड है वो लिखा हुआ रहता है और उसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लू कलर का रहता है, जिसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का जो इस्तेमाल है वो आप ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है जैसे कि पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, इसके ऊपर तो कर सकते हो, साथ ही साथ जो फ्लेमेबल लिक्विड है जैसे कि पेंट, पेट्रोल, इसके ऊपर भी कर सकते हो। और उसके साथ ही फ्लेमेबल जो गैसेस है जैसे कि LPG गैस है, एसिटिलीन गैस है, उसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो कुकिंग ऑयल है उसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर आपको ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। 1000 वोल्ट के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको अगर मान लो आग लगती है वहाँ पर भी आपको DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो खास तौर से जो इलेक्ट्रिकल टाइप की जो फायर होती है उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर सर्वर जो रूम होती है उसके बाहर ज़्यादातर हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। अब हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे, तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर CO2 लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लैक रहेगा, उसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए। तो फ्लेमेबल जो लिक्विड है जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको अगर आग लगती है तो आप CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर भी आप CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो किचन फायर होती है उसके ऊपर आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। कंबस्टेबल मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया, उसके ऊपर आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लेमेबल जो मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसको अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर भी आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं हमारे पांचवे टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसका नाम है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास एफ फायर के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कुकिंग ऑयल्स और फैट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसको अगर मान लो आग लगती है तब वहां पर वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम पहचानेंगे कैसे, तो उस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वेट केमिकल लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो लेबलिंग कलर है वो येलो रहेगा, उसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि कुकिंग ऑयल और फैट को आग लगती है तो उसके ऊपर हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमें कहाँ पर नहीं करना चाहिए। जैसे कि फ्लेमेबल लिक्विड और फ्लेमेबल गैस जो फायर होती है उसके ऊपर हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहाँ पर भी हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही में जो फ्लेमेबल मेटल्स है उसके ऊपर भी हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स, यानी कि आग कैसे बुझाई जाती है, उसके क्या मेथड्स होते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो टोटल हम यहाँ पर चार मेथड्स देखने वाले हैं, उसमें सबसे पहला है कूलिंग, सेकंड है स्टारवेशन,
थर्ड है स्मूथरिंग और फोर्थ है चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में जानते हैं और समझते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आग लगने के लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है, उसमें हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये जब तीनों चीज़ें मिलेगी तभी आग लगेगी, और इसमें से अगर एक भी चीज़ अगर हमने निकाल दिया तो आग नहीं लगेगी। तो उसी मेथड को हम यहाँ पर अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहली मेथड है कूलिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर का जो सीन होता है उसमें से हम हीट को रिमूव करते हैं, उसे कूलिंग मेथड कहते हैं। और इस हीट को हम रिमूव करने के लिए बाय यूजिंग वाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्टारवेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो फायर का जो सीन होता है उसमें से हम फ्यूल को रिमूव करते हैं, उसी को स्टारवेशन मेथड कहते हैं। और ये फ्यूल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो जो भी फ्यूल का सप्लाई है उसको हम कट करके इस फ्यूल को रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्मूथरिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर का सीन होता है उसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उसी मेथड को स्मूथरिंग मेथड कहते हैं। और इस ऑक्सीजन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर या फिर DCB फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारी मेथड है चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर की जो चेन होती है उस चेन को हम DCB फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके भी तोड़ सकते हैं, या फिर ब्लैंकेटिंग का इस्तेमाल करके भी उस चेन रिएक्शन को तोड़ सकते हैं। इस चेन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एजेंट को हमें अप्लाई करना पड़ता है उस केमिकल चेन रिएक्शन के ऊपर, ताकि वो जो जलने वाली जो प्रोडक्ट्स है उसमें ब्रेकडाउन कर सके। और ये जो ब्रेकडाउन है ये हीट या फिर ऑक्सीडाइजेशन के जरिए होता है। तो ये जो चारों मेथड है इसमें से अगर हमने किसी एक को भी अगर इंटरफेयर कर लिया, यानी कि किसी एक को भी अगर रिमूव कर लिया, तो हम फायर को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कंप्लीट फायर सेफ्टी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।